अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं MHD सलीम उस्ताद यानी मोहम्मद सलीम उस्ताद। दोस्तों वही मेरा एक नारा शौक को बढ़ावा देने का, देता हूँ देता रहूँगा ता जिंदगी। दोस्तों मैंने अभी पहला पार्ट डाला था हाई फ्लायर और मद्रासियों के लिए, तो उस पहले पार्ट के पानी के बाद मैं आपको पार्ट टू बता रहा हूँ, उसका पानी बता रहा हूँ कैसे कैसे आपने देना है। और संभाल के लिए, कबूतरों की संभाल के लिए पार्ट थ्री में मैं गोली बताऊँगा, गोली बना के भी दिखाऊँगा और बताऊँगा भी, ये पानी भी मैं बना के दिखाऊँगा और बताऊँगा इसमें क्या क्या सामान डलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने ये पानी कब देना है और कितनी क्वांटिटी में बनाना है, ये 10 कबूतरों के लिए मैं पानी बताने जा रहा हूँ आपको। आपने आधा लीटर पानी लेना है, आधा लीटर पानी आप कुंडी में डाल लें, आधा लीटर पानी कुंडी में 10 कबूतरों के लिए। अगर 20 कबूतर हो तो 1 लीटर डाल लें और दाना खिलाने के बाद देना है। तो ये जो आधा लीटर पानी लेना है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ये सनाई के पत्ते हैं, ये सनाई के पत्ते हैं, और इसको आपने एक चुटकी ऐसे करके लेनी है। सनी के पत्ते भी बोलते हैं, सनाई के पत्ते भी बोलते हैं, और ये कुंडी में डाल देना है 2 घंटे पहले। आपने 6 बजे पानी देना है तो आपने 2 घंटे पहले ये डाल देना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने 2 घंटे पहले आपने ये पत्ते डाल देने हैं। और फिर आपने लेनी है 4 छोटी इलायची, 4 छोटी इलायची लेनी है आपने। इन 4 छोटी इलायची को लेके दोस्तों, 4 छोटी इलायची लेके आप किसी भी चीज़ से, अगर आप पे मांगस्ता है या खरल है, आप ऐसे कूट लें उसे, और ये भी पानी में डाल देनी है। ठीक है दोस्तों, ये भी पानी में डाल देनी है। और फिर लेनी है आपने दखनी मिर्च या काली भी ले सकते हैं। 10 कबूतरों पे आपने 3 लगानी है, 3 only 3। दस कबूतरों पे 3 लगानी है और 20 कबूतरों पे 6 लगानी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने 8 से 12 घंटे 10 घंटे भीगे हुए बादाम लेने हैं। 10 कबूतरों के लिए 15 बादाम और 20 कबूतरों के लिए 30 बादाम जो आपने पत्थर पे घिसने हैं। तो दोस्तों मैं पानी आपको दिखाता हूँ कैसे बनेगा, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या और सामान ऐड होगा आप देखिए। बहुत अमेजिंग पानी है, आपके कबूतर खूब गोल घेरे मार के और फिर सीधी पट्टी पे जाएगा, खुल के गोल घेरे मारेगा और फिर सीधी पट्टी पे चलेगा। और ये पानी आपने एक दिन देना है, जैसे आपने कल उड़ाने हैं कबूतर, आज ये पानी रख देना है। ठीक है दोस्तों, और कल उनको इस पानी का जितनी क्वांटिटी में मैं बता रहा हूँ, इस पानी की आधी क्वांटिटी रख देंगे, आपने देनी है। और जब कबूतर उतर के आएगा, सपोज करिए आपका बॉर्डर पार करके उतर के आ रहा है, तो तुरंत एक मैं गोली बताऊँगा इससे पार्ट थ्री में, वो गोली देनी है और रात को भी देनी है, 2 वक्त वो गोली देनी है। ठीक है दोस्तों, अब पानी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे पानी बनेगा और क्या क्या सामान ऐड होगा। दोस्तों ये दोनों सामान हमने सनाई के पत्ते और छोटी इलायची हमने डाल दी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपने जो ऐड करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोडी स्टार सिरप, पहले भी दिखाया है मैंने आपको। और इसमें ये कोडीन फार्मूला होता है, कोडीन, ठीक है दोस्तों, कोडीन फार्मूला होता है इसमें, तो इसकी 5 बूंदें डालनी है। इसकी 5 बूंदें डालनी है आपने कोडी स्टार सिरप की, इसमें 1
दो तीन चार पाँच, ठीक है दोस्तों, पांच बूंदें डालनी है आपने कोल्ड स्टार सिरप की। और इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, इसे बोलते हैं दोस्तों मरोड़ फली, ठीक है दोस्तों, अच्छी तरह देख लें, इसकी फोटो भी डालूंगा मैं, तो आप पंसारी को दिखा के आप ला सकते हैं ये दोस्तों। किसी भी तरह की सेक्स समस्या के लिए आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी, क्योंकि डॉक्टर का काम होता है इलाज करना, ना कि टिंडर भेजना। दोस्तों बड़ी बड़ी समस्या होती है लोग के बाल बच्चे नहीं होते, सीधे पतन, कम शुक्राणु, बहुत सी समस्या है जिससे इंसान दो चार होता है और अपने मन में दबा के रखता है। तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी, ठीक है दोस्तों। और उसमें सेक्स समस्या के लिए मेरे पे तीन तरह के कोर्स हैं, आपको मैं दिखा दूँ दोस्तों। ये पाउडर है, ये पाउडर है, ठीक है दोस्तों, ये दो तरह के ऑयल हैं कमजोरी के लिए, और ये माजून है दोस्तों, मेरा घर का तैयार मेरा माजून, ठीक है दोस्तों। ये इसमें तीन कोर्स हैं दोस्तों, इसमें तीन कोर्स हैं, एक है 15 दिन का, और एक है 1 महीने का, और एक है 1.5 महीने का। तो वीडियो के लास्ट में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आएगा दोस्तों, तो आप मेरे से मैसेज में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वाइस भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों कॉल ना कीजिए, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी और मेरी बात गुप्त रहेगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, नो कॉलिंग ओनली वाइस, ठीक है दोस्तों। ये आपने 10 कबूतरों के लिए 20 हिस्से मान लिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मरोड़ फली के 20 हिस्से मानने, आप ऊपर से गिन लीजिए, जैसे मैंने मारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, अगर एक दो फालतू भी लग जाए कोई बात नहीं, ठीक है दोस्तों। हल्की सी घिसी है आप अगर देखेंगे तो, बहुत हल्का खेल रखना है मद्रासियों पे, और इसको जरा ऐसे मिला लें क्योंकि पत्थर पे रह जाता है, ठीक है दोस्तों। ये 2 घंटे से 2.5 घंटे पहले पानी बनाना है, और फिर आपने क्या करना है दोस्तों, आपने 10 कबूतरों के लिए 3 दखनी मिर्च लेनी है, और इनको घिसना है आपने, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ आपको घिसने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारी आमलदी की गांठ है, इसके आपने 30 एक हिस्से मारने 10 कबूतरों के लिए, 0.5 लीटर पानी में इसको आराम से हम घिस सकते हैं। अब हमारी ये दखनी मिर्च भी घिस रही है, काली मिर्च भी ले सकते हैं आप, बहुत अच्छा तरीका है इसको। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से ये दखनी मिर्च बिल्कुल मिल चुकी है, इसके बाद मैं आपको जो गोली बताऊंगा वो संभाल की गोली है, बहुत अच्छी, उसके बाद मैं एक और गोली बताऊंगा आपको जो बहुत ही शानदार रहेगी आपके कबूतरों के लिए, टाइम टेबल बढ़ाएगा कबूतर। आप देखिए दोस्तों बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और हमारी आमलदी भी घिस चुकी है तकरीबन, ठीक है दोस्तों। 30-40 घिसते लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि 0.5 लीटर पानी में आमलदी आसानी से, ये देखिए दोस्तों ये हो गई आमलदी,
ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपने बादाम घिसना है, 15 बादाम घिसने हैं 10 कबूतरों के लिए, आराम से सिलो हाथ से, क्योंकि अगर आप सिलो हाथ से घिसेंगे बहुत अच्छा रहेगा। सिलो हाथ से बादाम तो आप घिसना जानते ही हो, मैंने पहले भी कई बार बताया और लोगों ने भी बताया हुआ। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप घिसेंगे तो वाइट वाइट देखिए पानी होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने 15 बादाम रगड़ दिए, और आप इसको भी जानते हो छोटी हड़, छोटी हड़ लेनी है दोस्तों, इसके तकरीबन 10 हिस्से मारने हैं हमने छोटी हड़ के। और जब भी आप ने कबूतर उड़ाना है ये एक दिन पहले पानी रखना है, 10 हिस्से मारने हैं, ऊपर से चालू करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 हिस्से हो गए, देखिए ये हल्की सी रगड़ी गई है चोट से, पंद्रह बादाम अगर आप इसमें रगड़ेंगे ना तो दोस्तों पानी बहुत अच्छा हो जाएगा। और अब आपको मैं सामान दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छा सामान है ये जामुन का सिरका है, जामुन का सिरका। ठीक है दोस्तों, जामुन का सिरका है ये, ये भी हमने 5 बूंद लेना है जामुन का सिरका, ये भी हमने 5 बूंद लेना है दोस्तों, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है दोस्तों, जामुन के सिरके की 5 बूंदे, आप अच्छी तरह देख लो दोस्तों, बहुत काम की चीजें है, मदरासियों में बहुत काम करती हैं ये दोनों चीजें। अभी आपको दिखाता हूं मैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये जामुन का सिरका और ये कोडी स्टार सिरप, कोडीन फार्मूला। केमिस्ट की दुकान पे जाके आप जब कहेंगे ना कि हमें कोडीन वाला फार्मूले का कोई भी सिरप दे दो तो वो दे देगा, 5 बूंदे जामुन के सिरके की, 5 बूंदे इसकी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपको बताया 1 चुटकी सनाए के पत्ते, 4 छोटी इलायची कूट के भिगोनी है इस पानी में। ठीक है दोस्तों, 15 बादाम घिसने हैं, 15 मरोड़ फली बताइए दोस्तों। ठीक है, इसकी भी फोटो डालूंगा मैं, और आमा हल्दी और हड़। ठीक है दोस्तों, आप अच्छी तरह देख लें, और इसके बाद मैं कबूतरों की संभाल की गोली बताऊंगा, इसके बाद दोस्तों कबूतरों की संभाल की गोली बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी है, और वो कैसे देनी है, कबूतर उड़ के आएगा आपने वो गोली देनी है, उसके बाद आपने एक गोली रात को देनी है, 2 गोली देनी है, और ये मैंने जो पानी बताया आपको इसकी क्वांटिटी आधी कर लेनी है जब आपने रेस्ट देना है। आप रेस्ट देंगे, क्वांटिटी आधी कर देना और अगले दिन छेड़ मार देना। ठीक है, इसके बाद 7 दिन करें ये पानी आप, और मैं संभाल की गोली की वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में डाल दूंगा, तो आप वो देते रहे। इसके बाद एक और गोली बताऊंगा एक पानी के संग, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाल्लाह। और आप दोस्तों बस दुआ में याद रखना। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।